वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि पैनामा का जो भी फैसला आया कबूल करेंगे। वजीर आजम का कहना है कि अदालतें आजाद हैं, आजादी से फैसला देंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे इरफान मलिक से। इरफान, अपडेट कीजिएगा, क्या कहना था वजीर आजम का? देखिए अकबर, आज वजीर आजम ने सिंध की अपनी मुस्लिम लीग की तंजीम और अराकीन पार्लियामेंट को मधु का रखा। वजीर आजम हाउस थे और उन हवाले से मुशावरत की गई सिंध की सूरत हाल के बारे में भी। पानामा केस की बागदश भी इस इजलास में सुनाई दी और वजीर आजम ने ये वाजे कर दिया है कि अदालत का जो भी फैसला आएगा वो उसे मुकम्मल तौर पर मनवान कबूल करेंगे। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान में अदलिया मुकम्मल आजाद है और आजाद अदलिया के तमाम फैसलों का एहतराम किया जाएगा। इस इजलास में यह भी फैसला हुआ है कि मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में सिंध भर की तमाम नशिस्तों से उम्मीदवार खड़े करेगी, जिनमें सूबाई और कौमी असेंबली की नशिस्तें भी शामिल हैं। और इस हवाले से सूबाई जो सदर है उनको हिदायत जारी की गई है कि वो फहरिस्तें मुरतब करें कि सूबाई और कौमी असेंबलियों के कौन कौन से मुतवक्का उम्मीदवार हो सकते हैं जिन्हें मुस्लिम लीग नून टिकट जारी करेगी। अकबर जी, शुक्रिया इरफान, आपने अपडेट किया।